पातक। और इस विषय में तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधि अति दीना, अंध बधिर क्रोधि अति दीना, ऐसे हो बत कर किए अपमाना, ऐसे हो बत कर किए अपमाना, नारे पावय मम पुर दुख नाना, नारे पावय मम पुर दुख नाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा सुंदर कहा उन्होंने, ऐसे हूँ पत कर किए अपमाना, नार पाव यम पुर दुख नाना, दुख सीलो माने दुख से ग्रसित है, दुर्गभो वृद्धों अनेक प्रकार के, और भी बूढ़ा है, जड़ों माने जड़ वृद्धि वाला है, रोग माने रोगी है, धनो अपीवा माने धनहीन है, धन भी उसके पास नहीं है। और बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने, अंध माने अंधा है, बधिर माने कोड़ी भी है वो, लेकिन रोग से ग्रसित है, रोग भी उसका फूटा हुआ है, और बहुत क्रोध करने वाला पति है, लेकिन ऐसा भी पति है। तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, सुखदेव स्वामी भी कह रहे हैं, भैया हर नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, तो जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। चाहे यहाँ कितना भी दुख मिल करके तुम्हें कितना भी दुख सहन करना पड़े और कितने भी संघर्ष से उजल करके आप जाएं, लेकिन अंत में आपको विजयश्री और शांति का प्रतीक होगा, शांति मिलेगी, यह परमात्मा का नाम, बिल्कुल विजय उसकी होगी। माता को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और है, मैया अक्सर करके कहती हैं, तुलसीदास जी ने हमारे लिए ही कहा, इन पुरुषों के लिए भी कुछ कहा। मैं जहां जहां कथा कहता हूँ, अक्सर माताएं कहती हैं, आप कहते हो कि तुम्हें यूं करना चाहिए, तुम्हें यूं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तो कुछ इन लोगों के लिए कुछ नहीं लिखे गए वो, इनके इनका नंबर लिखने का आया कभी चले गए क्या, क्या ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, भैया पति भी बड़ा सरल होना चाहिए, पतिव्रत धर्म का पालन देखिए पत्नी कब करेगी, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ध्यान रखना है, जब तक अपने पतिव्रत धर्म का पालन और अपने ऐश्वर्य का पालन, अपने स्वाभिमान का पालन, पत्नी तभी कर पाएगी जब उसका पति करा पाएगा। इसलिए हर पति का धर्म बनता है अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करना, उनके उनका साथ हर पल देना, उनके स्वाभिमान को बचा करके रखना, उसके पतिव्रत धर्म की रक्षा को करते रहना, यह पत्नी का नहीं पति का भी धर्म है। पति उसके स्वाभिमान की रक्षा करेगा, उसकी हर पल देख रेख करेगा, तब वह पत्नी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर पाएगी, वह पत्नी अपने चरित्र का पालन कर पाएगी, अपने स्वाभिमान को बचा पाएगी, जब उसका पति उसे हर पल प्रसन्नता और सरल भाव से देखेगा और प्रसन्न भाव से रखेगा, तो आनंद आएगा जीवन। पति देव को अपनी पत्नी के स्वाभिमान की चिंता ही नहीं है कि इसे क्या करना क्या होना, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वह तो उसे तो बस 100 रुपए मिल जाए शाम को और पौवा लगा करके सो जाए। पत्नी चाहे बेचारी फैक्ट्री में काम करने जाए, कोई फर्क नहीं है, जब उसे अपने पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा की फिक्र नहीं है तो उसका पतिव्रत धर्म कैसे चलेगा। इसलिए पति का कर्तव्य होता है पत्नी के पतिव्रत धर्म का पालन करना, पत्नी का धर्म नहीं। मैं आपको बता करके चल रहा हूँ, अगर पति चाहे तो पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है, वो नहीं चाहे तो फिर तो जो ही राम सोई राम।
इसलिए हर पति को चाहिए सरल बनना। हर पति का धर्म है अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, उसके चरित्र की रक्षा करना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, यह पति का धर्म होता है। और देखिए कभी कभी घुमाने भी ले जाओ, यह भी अच्छी बात है। क्यों परेक्षितानी ले जाते हैं आपको परेक्षित महाराज? और सुनो, देखिए कितनी बड़ी मेहरबानी की बात है, हमारी भारतवर्ष की जो नारियां हैं, जो देवियां हैं, इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं कि भैया घर पे जाओ और कितनी भी गुस्सा बैठी हुई हो और ज्यादा नहीं तो 10 रुपए को चमेली के फूलन को गजरों ले जाओ और जा करके ना वो कहें मुंह फुला करके कर आए का करके आए हो, कहां से आए हो और खूब रूठी भाई बैठी भाई हो और हल्के से पुड़िया में से गेम में से निकालो वाकू और पीछे जाके ना उनके जूड़ा में बड़े प्रेम से घुमा करके कान में लटका दो मान के तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, ये मेहनत है। बेचारी भाई 10 रुपए के गजरा में प्रसन्न रह जाए, मतलब मीठी मीठी मुस्कान उसके भाव में आ जाए और अधरों पर हल्की हल्की मुस्कान होए और बड़ी प्रसन्न रह जाए बस भाई। तो याम तो कछु जानो ना, और बड़े प्यार से कहो भैया देखो ये प्यार की बात होती है, अपने घर को संभालने की देखो अपनी पत्नियों से कहना है, प्यार से कहो, कुछ भी न करके आयो लेकिन प्यार से बात करो, अपने मन को प्रसन्न रख के कहो देखो आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, गजरा लगा के और कह दो बहुत अच्छी लग रही हो, तो जो मानो एकदम से मन फूल के लट्टू बहुत ही प्रसन्न। और ये बात यह काम ना बुढ़ापे में ज्यादा करना चाहिए, हाँ क्योंकि बुढ़ापा जो होता है ना यह एक दूसरे को संभालने